ये है हेवन भाई साहब, कैडिलैक, अलग अलग चीजें भाई साहब, फरारी और लैम्बोर्गिनी, सॉरी लैम्बोर्गिनी भाई साहब। तो जी पूरा बॉलीवुड वाला सीन हो रहा है यहाँ पे, ये बीएमडब्ल्यू की कार, इधर पूरा एयरक्राफ्ट। सबसे बड़ी खुशी की बात जो हमारा शो है वो हमको यही करना है इसके अंदर, और ये है पूरा कैफे बना टाइप बना रखा है। तो जी आपने हैरी पॉटर की पिक्चर देखी, उसमें कार अटक जाती ना, ये रही द फर्स्ट होटल जिसका फ्रंट नहीं है, सब बैक में, फ्रंट भी बैक में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। पिछले शो में भी यही कपड़े पहन के गए थे, आज भी यही कपड़े पहन के जा रहे हैं उस शो के। आप सभी का वेलकम है नए व्लॉग में। आज हम सब जा रहे हैं डूंगरपुर, सौरभ भैया, मैं, भैया अश्विन, ओवरऑल अर्थ पे। तो वहाँ पे बहुत बढ़िया जगह पे शो है आज, बहुत बड़ी जगह पे। पापा गए हुए हैं बाहर, मम्मी जी ये रहे, बस बाय बाय, रखना, टेक केयर, जाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, तो जी चलते हैं और जहाँ किस में रहे आज, पहली बार आई है भैया गाड़ी? नहीं नहीं, तो फॉर्चूनर आई थी। अच्छा, मेरे लिए कैमरा क्यों बुलाई फिर? मेरे लिए भी बुला थे इनोवा। संघर्ष भरे जीवन में एक और संघर्ष, चार्ज ही नहीं हो रहा है फोन, 4% की बैटरी है और इधर संघर्ष चल रहा है। हमें हो रही थोड़ी सी सर्दी, क्योंकि अभी एसी और गर्मी सर्दी पता नहीं क्या क्या अलग अलग एवेंट में रह रहे, तो रुमाल भूल गए थे, रुमाल ले लिया नया, हो गया काम अपना, बाकी सब बढ़िया। पूछे होते अभी तक दो रुमाल लेने गया, मैं इतना बड़ा रुमाल लिख नहीं रहा ये। उस रुमाल बाहर से हवा अच्छी आ रही है। उधर से इधर से, तो उधर से इधर घुमा रहे हैं का। ऑल सेट, आज कुछ अलग सोचने का विचार है, मतलब करने का विचार है, सॉरी, क्योंकि आज आपने बोला लैपटॉप भी काम आएगा, तो हम उसके लिए एक्साइटेड हैं कि क्या काम आएगा। मैं ऑडियो इंटरफेस लाया हूं, उससे अपन रिकॉर्डिंग, ओहो लाइव रिकॉर्डिंग, ओहो फुल टेक्निकल चलेगा। तो मतलब तो सोचता है चलो, थैंक यू यार। ये लुक का ही वेट था मेरे को, इसलिए कैमरा पहले घुमा दिया। हाईवे से उतर चुके हैं, नीचे है डूंगरपुर की ओर, और यहाँ से है 25 किलोमीटर सिटी में जाने के लिए, उसके बाद होगा होटल पे जाना है। अभी समय हुआ है पौने दो, तो 2:15 तक आराम से होटल पहुँच जाएंगे। पुराने लगा बता, अटक गया अब डूंगरपुर आने वाला, इसने सर्च कर रहा है, ये बता रहा है 110 किलोमीटर और यहाँ पाटना जाना है, यहाँ किलोमीटर तो यार बंद कर दे तू, अब नहीं होगा ये बंद, इसका बटन का वो उधर चला गया, इस काम का फोन पे रही है डूंगर को फोर्ट। ये देख कितना दूर बता रहा है, अरे 12, ये 12, अरे 19 मिनट 12, उसे चुप करना पड़ेगा, चल करो फिर सनम पे या मेरे घर पे, ऐसा रहा हो तुम हो मेरी हो बेटा, जो बुलाए माँ को आना चाहिए। लेवल ऑफ मार्केटिंग, मैं एक बोर्ड पहले भी आया था वो छूट गया, अश्विन ने बोला था, तो इस बार मैंने ध्यान रखा उसको नहीं गया। लेवल ऑफ मार्केटिंग देखिए, मतलब वो देखिए बस। देख रहे हैं मतलब सदा सूखे रहो, क्रिएटिविटी ढूंढना, और अब बताओ कहाँ जाना है। 110 किलोमीटर क्या उदय विलास कैसा है ये विलास? तो जी आ चुके हैं डूंगरपुर के शहर में, और यहाँ पे आते ही सबसे पहले जो चीज़ है वो हम खाएंगे खाना। रजत भैया को फोन कर दिया था, बताया था कि अगर वहाँ जाओ कुछ खाने की इच्छा हो मुझे फोन कर देना, फोन कर दिया और आए हैं अभी हिल सिटी कैफे रेस्टोरेंट के यहाँ पे, देखते हैं जाते हैं कैसा क्या खाना है। बस भैया एसी चला लो, एसी। यहाँ पे रजत भैया को फिर से कॉल किया जा रहा है और पूछेंगे कि यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है। सब्जी ऑर्डर दे दिया है, पनीर दाल तवा रोटी, सबसे बढ़िया शुद्ध शाकाहारी खाना।
दाल पूरी करी है तो क्या करा सेव टमाटर बोला ना सेव टमाटर सेव टमाटर यही सेव टमाटर चलो कुछ तो बोले तो जी आ चुके हैं खाना खा के बहुत ही बढ़िया खाना और एकदम रीजनेबल खाना जैसे रजत भैया ने बताया था हिल सिटी कैफे रेस्टोरेंट शिवजी नगर बस स्टैंड के पीछे डूंगरपुर राजस्थान इसको ढूंढने में थोड़ा समय लगा बट कोई बात नहीं मिल गया था ओ भाई साहब फरारी ये है हेवन भाई साहब ओह अलग अलग चीजें भाई साहब फरारी और लैम्बोर्गिनी सॉरी लैम्बोर्गिनी भाई साहब द कैडिलैक इसको मैंने डैनी का जो शो आता है काउंटिंग कार्स तो उसमें देखा था कैडिलैक आज जब लाइव देख रहा हूँ भाई साहब कितनी लंबी गाड़ी है मतलब 1 2 6 7 कदम लिए भाई साहब सिर्फ एक गाड़ी के लिए सोच लो कितनी लंबी होगी भाई साहब जन्नत में आ गए हैं जन्नत जिनको कार बाइक से प्यार है उनके लिए जन्नत है क्योंकि यहाँ पे कार के साथ बाइक भी है प्लेन भी है अरे वाह ये तो शायद आर्टिफिशियल बना रखा है अंदर पूरा कैफे टाइप तो नहीं हाँ कैफे बना रखा है यस बैठने की है मेन्यू वेन्यू पड़े टेबल पे वाह भाई वाह तगड़ा बिल्कुल दो जी सबसे बड़ी खुशी की बात जो हमारा शो है वो हमको यहीं करना है इसके अंदर भाई साहब कुछ भी हो डूंगरपुर का ये जो उदय विलास है वहाँ का कार का कलेक्शन तो लाजवाब और उससे भी बढ़िया चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं ये है स्टीम इंजन डूंगरपुर स्टेट रोड वर्क पुराने जमाने का अब ये पता नहीं कलेक्शन कहाँ से लेके आए हैं ये देखिए ये पड़ी है वुड क्या ही चीज़ क्या ही कलेक्शन बना रखा है लाजवाब भाई साहब टार्जन दमन नहीं नहीं वो हैरी पॉटर की पिक्चर में नहीं होता है वो कार यही अटकी थी यही है येलो वाले तो कह रहा था जो ही से दिखे पहले कहा है डूंगरगढ़ पैलेस वाह डूंगरगढ़ पैलेस आ चुके पानी पेप्सी लेनी ठीक है पेप्सी लेने जी पेप्सी ले ली है 40 की पेप्सी 50 में अब क्या करें बाहर आए हैं तो थोड़ा सा तो हमें करना ही पड़ेगा अब चलते हैं ऊपर पेप्सी का आनंद लेते हैं हमारा ड्राइवर साहब जो थे वो गए हैं गाड़ी लगाने के लिए कॉल कर देंगे उनको यहाँ पे आ जाएंगे फिर वापस से उदय विलास में चले आएंगे हम अच्छा तो पहले इस तरीके से बड़ा है चौड़ाई में बड़ा है फ्रंट छोटा है इससे फर्स्ट होटल जिसका फ्रंट नहीं है सब बैक में फ्रंट भी बैक में साइड बहुत बड़ी यार है चुंडा पहली जितनी है ये लिफ्ट है दादा क्या बात कर रहे हैं मैं लिफ्ट है क्या नहीं है नहीं ये पता नहीं कौन से फ्लोर पे जाना है 102 फर्स्ट ही हां वरी हूं मैं रूम बोर्ड बोर्ड रूम चलो जी बोर्ड रूम कुंभलगढ़ से तो अच्छा ही है कुंभलगढ़ से बहुत अच्छा फार बेटर प्लेस 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 पिया वो वाइब अलग थी यार पहाड़ों एकदम सामने व्यू आ रहा था चाय पी तोड़ना थोड़ी है तो जी टाइम हो चुका है 7:45 रूम से निकलने का टाइम हो चुका है साउंड करना है क्या चेक कर दे जी इतना सा नीचे जाना है उसमें भी आदमी लिफ्ट से आ रहा है ये भी आप भी आ रहे हो लिफ्ट से ये भी लिफ्ट से आ रहा है तो लिफ्ट बंद हो गया तो टपन नीचे आ ही गए शर्मा गया सब जगहों के बारे में बता रखा है क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे डूंगरपुर में देखने के लिए तो अगर मौका मिलता है ये भी देख के आएंगे बोलो भी आज निग्रो भारी है निग्रो आज भारी चल रहा है हमारा और सबसे बड़ा निग्रो उनका भारी चल रहा है भारी चल रहा है चलिए गाड़ी भी आ चुकी है चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं अपनी लोकेशन पर जाके और फिर मचाते हैं
तो जी आ चुके हैं चेंज करके, यहाँ पे साउंड टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है और इधर हमने लैपटॉप भी लगाया जिसमें हम करेंगे आज रिकॉर्डिंग। तो देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से निकलता है। और जिस कैफे की बात कर रहे थे इधर, तो कार वाला जो सेक्शन है वो बढ़िया है वो, और ये है पूरा कैफे बना टाइप बना रखा है। लाइट भले कम है पर वाइब पूरी पूरी है, क्योंकि देखो पूरा कार्स को डेडिकेट कर रखा है। सोफों पे कवर तक कार्स पे है और सब कुछ इंटीरियर विंटीरियर के बारे में लिख रखा है सब कुछ, मतलब भंडार जन्नत। जिनको कार से लगाव है या जानना चाहते हैं, नॉलेज भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। छोटी सी प्यारी सी हार्डली बताना चाहूँगा आपको क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो तो आपको नहीं बता सकेंगे अभी क्योंकि ओरिजिनल चल रहा है, कब आएगा पता नहीं। उधर वो ओरिजिनल चल रहा है पता नहीं कब आएगा। कौन सा गाना है कमेंट में करना। ये वाला गाना कौन सा है कमेंट में बताना। ठीक है वो बता दे, कट स्पेस भर रहा। तो जी पूरा बॉलीवुड वाला सीन हो रहा है यहाँ पे। ये BMW की कार, इधर पूरा एयरक्राफ्ट, यही है भारतीय वायुसेना वाला, इंडियन एयरफोर्स वाला। वाह जी वाह, क्या ही बात है। और अंदर तो जाएंगे नहीं ज़्यादा, कि सिक्योरिटी वाले आएंगे कह देंगे कुछ ऐसी वैसी, तो अपने को क्या है जितना फटाफट हो सकता है कर लेते हैं। एक फ़ोटो ज़रूर बनता है, फ़ोटो खींच लेते हैं। मतलब यहाँ के जो राजा हैं उनका शौक और उनके पैसे पूरा पूरा दिख रहा है। शौक बड़ी चीज, शौक बड़ी चीज और इतनी और बड़ी सिद्ध कर ली आज पता चल गया। बहुत ही बड़ी चीज। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमें सौरभ भैया की वजह से ये प्लेस पे आने को मिला, तो भी बहुत ही बढ़िया। तो जी बज रही है 11:30, जो शो है हमारा हो गया है फाइनली। ये था कैफे वाला एरिया, बहुत ही बढ़िया ऐसा लगता है। थैंक यू, ऐसा लगता है किसी बाहर के रेस्टोरेंट में कैसे बनाए हैं। सबसे बढ़िया चीज ये देखिए इन्हीं का बर्थडे था, तो बहुत ही बढ़िया से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, सब कुछ हो गया। आपको प्लेन भी दिखा दिया हमने भाई साहब, इतना बड़ा प्लेन इसे क्या बताएं। ये कार मुझे भी चाहिए, वो वाली रेड वाली रे लैम्बोर्गिनी चलाई जाने वो भाई साहब, क्या कलेक्शन है यार। ये कहना पड़ेगा डूंगरपुर का, ये जो पहले से उदय बिलास, मतलब स्पोर्ट्स कार एडवेंचर हो गई या प्योर लग्जरी हो गई, सब वैरायटी की कार है जी। देखिए एक और शौक USD, क्या ही बात। अब जिनको इस बाइक के बारे में पता है उनको पता है, और मेरे को थोड़ा कम पता है तो अश्विन को पता है, अश्विन बताएगा। किक मारने में लग जाते हैं इसके तो बुलेट से भी ज़्यादा दम लगता है इस बाइक में। ये भी अपने टाइम की बहुत बड़ी बाइक है, हायाबुसा की लेवल पे मान सकते हैं। नहीं नहीं तो उस टाइम पे यही थी ना, इस वजह से। तो जी आ चुके हैं डूंगरगढ़ पे, डूंगरगढ़ पैलेस, डूंगरगढ़ पैलेस क्या है डूंगरगढ़ पैलेस बोला, डूंगरगढ़ पैलेस। हाँ आज के यहाँ लगा है ताला, अब इस ताले का क्या करें हम। कूद के जाऊँगा यहाँ से, तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते। घंटियाँ भी बजाई है, फोन भी लग रहा है, रात के बज रहे हैं 12:55 का। अब वापस सोच रहे हैं कि उदयपुर के लिए निकल जाए, सोच के रहे हैं, चल ही रहे हैं, मतलब निकल ही रहे हैं। हर बार ऐसे ही होता है यार इनका तो, मतलब कुंभलगढ़ गए तो ये रात पर निकल गए, मतलब देख रहे हैं एकदम लाइफस्टाइल। रात के नसीब नहीं हमें, गढ़गढ़ में दौड़े सीटी। सोच रहा हूँ गोवा ही जाना पड़ेगा रात, वो वापिस रात को आ जाएगा वहाँ पे। जा रहे हैं ऊपर, भैया जी आ गए हैं, और अपना जो रूम है वो रूम पे जाके सामान लेके आना है। इक्विपमेंट्स वगैरह तो सब गाड़ी में ही है, बस कपड़े वाला जो बैग है वो लेना है। चल रहे हैं ऊपर, बाकी तो हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, मोटे हो चुके हैं, मतलब थोड़ी थकावट सी हो चुकी है। थकावट वाह, और अब तो उदयपुर तक जाना है, तो उदयपुर तक तो अपन खींच देंगे। चलिए सबसे बढ़िया बात, हमें गाड़ी चलाने नहीं, हम सो जाएंगे। हम भैया चलाना तो भी जगह है, नहीं चलाना तो भी। हाँ भैया खिड़की खुली हुई, अच्छा अपना नहीं, सॉरी अपना ये है बनता है। खिड़की खुली हुई देखो, मंदिर ही
अरे खुल जा, बंद बंद। चलिए जी आ चुके हैं, पहले थोड़ा सा सुस कर लेते हैं, वॉशरूम जा लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। अब ये सब जगह हमारी रह जाएगी देखने के लिए, क्या ही कर सकते। नेक्स्ट है डूंगरपुर की कहानी समाप्त होती है। हाँ जी पेप्सी कहाँ है भाई? अब तो चाहिए कि ना तो खाना खिलाया ना तो कुछ खिलाया, खिलाना भी है गई। जय माता ज्यादा नाइट व्लॉग रात को व्लॉग नहीं बनाने का मेरी यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई जी मेरी कदम हेलो क्या कह रहे हां जी व्लॉगर साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनु मैं एक दिन तेरा कॉम्पिटिटर मैं हूँ। ओ हो म्यूजिक में गले को तो जी आ चुके हैं हाईवे पे। दोस्त गए होंगे थोड़ा सा वॉशरूम में, यहाँ पे बैठते हैं खाना वाना खाते हैं फिर घर जाके सो जाएंगे। वापस कल से वही शूट एडिट अपलोड रिपीट व्लॉग भी हो जाएगा, उम्मीदें तो यही है। व्लॉग तो आ नहीं रहे इनके कुछ मतलब नहीं है, बस बनते ही जा रहे हैं, एडिट नहीं हो रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं मिलेंगे। आज तो हमारा किस्मत ही ख़राब है, तो यहाँ खाना है ना ही ऑनलाइन पेमेंट है, चिप भी लेनी थी बट नहीं ले सकते बिकॉज कैश नहीं है। लाइटें सब जला रहे कि दिवाली बना रहे हैं परसा दी कैसे। तो जी आज मैं चरण कमल उदयपुर के पास वाले पे नहीं दूसरे वाले पे हमारे उस्ताद जो है लेके आए हैं चरण कमल, क्योंकि चरण होते दो एक वहाँ है एक यहाँ है और इनके रह गए होटल में। मेरे चरण रह गए, मेरे जो चप्पल थे रूम है हमारा वही रह गए। 600 वाले छूने का अच्छा जवाब होता है, 600 के चप्पल 300 के जूते। तो जी खाना आ चुका है, अब डायरेक्ट खाते हैं। आज हम फूड ब्लॉगर्स जैसे इसको ठंडा नहीं करेंगे, गर्म गर्म ही खाएंगे। तो जी आ चुके हैं घर पे और डूंगरपुर का जो एक्सपीरियंस है वो तो मैंने बता ही दिया, बट जो प्लेन के बारे में था जो एयरक्राफ्ट के बारे में था उसके बारे में थोड़ा सा कम बताया है व्लॉग में, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी और वहाँ की जो वाइब थी, मतलब व्लॉग बनाने का मतलब रिकॉर्ड तो मैंने करा पर कुछ बोला नहीं तो अभी बोल देता हूँ, इसको कंक्लूड कर देता हूँ। तो जो एयरक्राफ्ट था वो एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स का था, जो कि वहाँ के जो महाराजा है उन्होंने जब उसका ऑक्शन हो रहा था या सेल हो रहा था तो उसको बाय कर लिया था। अब किस तरीके से करा है क्या करा है ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही कितनी गलत तो मुझे नहीं पता, बट जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ, बाकी आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हो। ये था मैंने कहा सोचा आपसे शेयर कर दो जो बोला नहीं, बाकी आप यूट्यूब पे और गूगल पे जाके शेयर कर सकते हैं देख सकते हैं। अगर आप डूंगरपुर जा रहे हैं तो उदय बिलास जाना ना भूलें, क्योंकि ये जो कार कलेक्शन मैंने देखा ना मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी देखें और सभी एक्सपीरियंस लें। तो उदय बिलास डूंगरपुर का मस्ट विजिट प्लेस है, मेरी रिकमेंडेशन है, आप जाओगे आप वहाँ से बिना सेटिस्फाई हुए या बिना खुश हुए तो निकल ही नहीं सकते हो। उस जगह की बात में बात बता रहा हूँ मैं, मेरे को तो प्यार से प्यार है, तो मेरे लिए तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और बाकी सबका तो आपने देख ही लिया है, हर बार का गढ़ तो रह ही जाता है तो ये गढ़ भी हमारा रह ही गया। इस व्लॉग के लिए तरह होप करता हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, कम आगे।